केंद्र सरकार के नौ गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा विशेष जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसके तहत भिलाई में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उन्होंने यहां तक कह डाला कि प्रदेश की भ्रष्ट सरकार पर केंद्रित नेतृत्व ने टीएस सिंहदेव का चेपा लगा दिया है। अटल जी की सरकार के पीरियड में एक नीति बनी कि हम हर ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, हर जिले में जिला हॉस्पिटल बनेगा 100 बेड का, हर 15 किलोमीटर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, हर 8 किलोमीटर पे उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। काम शुरू हुआ और आज इसका सुखद परिणाम यह है कि हमारे यहां महिलाओं की डिलीवरी के दौरान जो मृत्यु का प्रतिशत था उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है और छत्तीसगढ़ में 80% डिलीवरी हॉस्पिटल लेके आ गए। 4-4.5 साल तक डीएस सिंहदेव जी का छत्तीसगढ़ का के लिए योगदान इतना है कि वे लगातार मेरा कब पद मिलेगा। मुझको लगता है कि दिल्ली हाई कमान के दरवाजे की चौखट घिस गई तो बेचारे को एक उप लगा दिए। वो भी जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता है, एक सिर्फ कैबिनेट के सदस्य होते हैं। देखो क्या है, जो बीरू के 4.5 साल के गलत काम है उसको जय की ऊंचाई से छुपाने का प्रयास चल रहा है और कुछ नहीं। जो नारा था कि भूपेश है तो भरोसा है, केंद्र में बैठी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने स्वीकार किया कि भूपेश है तो धोखा है, इसलिए एक चेपी लगा करके डीएस सिंहदेव को और भेजते हैं। इसके अलावा कुछ शासन के कार्यक्रम में उसको आम जनता तक ले जा रहे हैं और प्रबुद्ध जनों से, जो लोकतंत्र में सबसे बड़े एक स्तंभ होते हैं, जो समाज के जागरण का काम करते हैं, उनसे हम ये आग्रह किए हैं कि हमारे मोदी जी के कार्यों को ले जाकर के वे भी जनता में कहें ताकि जनता उनकी बात को ध्यान से सुने और लोकतंत्र में अच्छी सरकारों का निर्माण हो उसमें वो सहायक हो। तो डर है लोकसभा टाइप के ना हो गए वही होने वाले, सारे 9 के 9 विधानसभा हार रहे हैं, इवन मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में हार रहे हैं, इसीलिए सिंहदेव जी को एक लालू पाप पकड़ा, उसको पाटन में भेजे हैं, 2 गांव में उनका दौरा है, मतलब भूपेश बघेल की लोकप्रियता खत्म हो गई है। मैंने जो चैलेंज किया था वो साबित हो गया है, मैं कोई झूठा चैलेंज नहीं किया था, साबित हो गया। और आप देख लीजिए भूपेश बघेल को खुश नहीं है, इनको गले लग के बधाई देना था, आमने सामने बधाई देना था, उनके विधानसभा में आ रहे हैं कम से कम उनके स्वागत समारोह में जाना था, लेकिन वो ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं और उनकी जो बनावटी हंसी है ना वो आ रही है। आज एयरपोर्ट में भी किसी ग्रुप के लोग नहीं दिखे, मात्र सरगुजा से आए कुछ इधर उधर बिखरे हुए पीएस सिंहदेव जी के समर्थक दिखे, नहीं दिखा क्या, कोई बड़े नेता गए क्या, क्यों नहीं गए? जब माननीय खड़गे जी ने इतना बड़ा निर्णय लेकर उन्हें भेजे, एक छत्तीसगढ़ में दिखना था कि हाँ हम खुश हैं, लेकिन कहीं नहीं है। और ये तो मैं पीएस सिंहदेव जी का अपमान ही समझूंगा, इनको लाली बाप दे दिए हैं और लोग कह रहे हैं कि जय बीरू की जोड़ी, मैं तो कहूँगा जय और गब्बर सिंह की जोड़ी। गब्बर सिंह ने जो अति मचाया और जो भ्रष्टाचार किए, जो शराब की नदियाँ बहाई, जो नशाखोरी का अड्डा बना दिया, उसी को ढकने के लिए इनको श्रीदेव जी को आगे ला दिए। मैंने कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं कर सकते,
वो तो अपने मन में पता नहीं किस पीड़ा के साथ रह रहे हैं। जिनका 4.5 साल अपमान हुआ उनको किस बात की सम्मान, तब कहाँ थे राष्ट्रीय उनके नेता कांग्रेस के, तब क्यों नहीं उनको याद आई कि टीएस उदय जी का सम्मान किया जाए। तब तो बार बार बेचारे बोलते रहे, चिट्ठी लिखते रहे, तब कहाँ थे ये राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय नेता खड़गे जी। आज उनको सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं,